हेलो दोस्तों, एडवेंचर डॉक्टर अभय इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एटीवी राइड एट न्यूब्रा वैली। यह दुनिया का सबसे ऊंचा सैंड ड्यून वाला एटीवी राइड होगा, जिसकी ऊंचाई है 10,500 फीट। एटीवी का मतलब है ऑल टेरेन व्हीकल, जो कि ऑफ रोड के लिए बनाई जाती है। यहाँ का रूट 3 किलोमीटर का है, जिसमें हमें सैंड ड्यून्स, फॉरेस्ट और रिवर भी क्रॉस करनी होती है। एटीवी राइड का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, इसलिए शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन बाद में कंट्रोल आसान हुआ। ये जगह लेह से करीब 150 किलोमीटर दूर है, जिसको पार करने के लिए 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। हम यहाँ बाइक या कार से आ सकते हैं, सिर्फ लेह से आते वक्त परमिट लेना जरूरी है। रास्ते में हमें खारदुंगला पास, कैनॉन और शोक वैली देखने को मिलती है, लेकिन इन सब में सुंदर है न्यूब्रा वैली। इस जगह शोक और न्यूब्रा नदी का संगम है। यहाँ घूमने के लिए और भी अच्छी अच्छी जगह है, जैसे कि डिस्किट मॉनेस्ट्री, स्टैचू ऑफ बुद्धा। इस जगह की सुंदरता की वजह से बहुत सारे फिल्मों का शूटिंग भी यही होती है। जहाँ पे सैंड ड्यून्स है, वहां से गाड़ी धीरे चलानी पड़ती है, लेकिन जहाँ पे फ्लैट रोड है, वहाँ पे हम जितनी चाहे उतनी गाड़ी भगा सकते हैं। कुछ फोटोज निकालने के लिए हम एक जगह रुके थे और बाद में फिर से चल पड़े। इस वैली में स्टे के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। हम होटल के रूम ले सकते हैं या टेंट में भी रह सकते हैं, जिसका किराया 1 से 3 हजार तक है। ये बड़ा वाला सैंड ड्यून क्रॉस करने के बाद शुरू होता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का रोड नैरो तो है ही, लेकिन थोड़ा रफ भी है, इसलिए हमें फॉरेस्ट में से आराम से गाड़ी चलानी पड़ती है। रोड रफ होने के कारण बहुत वाइब्रेशंस होते हैं, इसलिए कंट्रोल करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। आगे एक जगह शोक नदी का बहाव है, जहाँ का ब्रिज छोटा है, इसलिए वहां से गाड़ी ध्यान से चलानी पड़ती है। ब्रिज क्रॉस करने के बाद आगे पूरा फ्लैट रोड है, इसलिए हम गाड़ी मनचाहे स्पीड से भागा सकते हैं। इस पूरे राइड की कॉस्ट है 1,000 रुपए, जो कि हम सिर्फ 5 या 10 मिनट तक पूरा कर सकते हैं। यहाँ की एटीवी राइड हमें दुबई की डेजर्ट राइड याद दिलाती है।
दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो हम डिस्किट मॉनेस्ट्री का देखेंगे, जो कि नेक्स्ट फ्राइडे इवनिंग को आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।